हेलो गाइस, आज से हम आपको शॉर्ट वीडियोस प्रोवाइड करने जा रहे हैं जो आप एग्ज़ाम से पहले एक बार देख के जाएं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, आप अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे। तो आज हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। जो आपकी डिज़ाइन स्पीड होती है, जो हम नॉर्मली अडॉप्ट करते हैं, वो हम 85% करते हैं। ये क्वेश्चन नॉर्मली कहीं भी आ जाता है कि आपकी नॉर्मल डिज़ाइन स्पीड क्या होती है, तो हमें 85% लेके चलते हैं। अब जो टॉपोग्राफिक ट्रेन है जिसमें हम स्लोप कितना रखते हैं, हम उस टेरेन के लिए स्लोप कितना लेंगे, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। एक होता है हमारा प्लेन, बिल्कुल बिल्कुल समतल प्लेन हो गया, उसके बाद थोड़ा सा हमने उठाव दे दिया उसमें, वो रोलिंग प्लेन। फिर अगर कि माउंटेनियस आ गया, माउंटेनियस मतलब थोड़ा सा और जैसे आपके पहाड़ हो गए, उसमें हम कितना टेरेन देंगे। उसके बाद स्टीप टेरेन, जो बहुत ही खड़ी चढ़ाई होती है, उसमें हमारा कितना स्लोप रहेगा। तो प्लेन टेरेन में हम जैसे देखते हैं कि अप टू हम 10% स्लोप देंगे, रोलिंग टेरेन में हम 10 से 25% स्लोप, माउंटेनियस में हम 25 से 60% स्लोप देंगे, और स्टीप में हम 60% से ऊपर के लिए ट्रेन देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन आपका सीधा पेपर में आ जाता है, सीधी वैल्यूज़ आ जाती हैं। सेकंड थिंग, जो आपकी कैम्बर्स होती हैं, हमारे जो कैम्बर होते हैं, जो एक स्ट्रेट कैम्बर होता है, एक पैराबोलिक होता है, एक हमारा कम्बाइंड कैम्बर होता है। तो देखो, जो स्ट्रेट कैम्बर होता है वो हम सीसी रोड में देते हैं, सीमेंट कंक्रीट रोड में। दूसरा पैराबॉलिक कैम्बर होता है, पैराबॉलिक कैम्बर हम बिटुमिनस रोड में देते हैं, और ये फास्ट मूविंग रोड के लिए हम प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू गाइस।